बिल्कुल नई तकनीक का टर्बो इटालियन सीरीज का हमने स्पेशल इंजन तैयार किया है। गियर भी हमने इसमें अब बड़ा कर दिया है। इंजन और गियर में मिला के तकरीबन 2 लीटर 250 ग्राम इसमें अब तेल डलने लगा है। तो इसका जो इंजन तेल का खपत रहेगा पूरे लोड पे वो 800 ग्राम ही रहेगा। ये भी आपसे वायदा करते हैं भाई साहब। सर एक चीज बताइए कि जैसे हम फर्स्ट गियर सेकंड गियर में करते हैं इसको चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में भी कभी कभी किसान इसको लग जाते हैं। जेपी जी वही तो बात होगी, आपने बोला कि इंजन की खपत 1 लीटर को पार कर जाती है। हाँ। जब किसान इसका पहले गियर में काम करेगा तो इंजन की खपत 1 लीटर से पार होगी। हाँ, इंजन तेजी से रेस रहेगा, तेजी से रेस रहेगा। जब इसको हमने जुताई करना है तो सही दूसरे गियर में तो इंजन पे भी नुकसान हो सकता है अगर फर्स्ट गियर में खुद रेस देगा तो। देखिए ऐसे है जी, जब हम इसको पूरे लोड पे पहले गियर में चलाएंगे रेस भी ज्यादा देंगे तो इंजन को भी नुकसान रहेगा और इंजन का भी खपत ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए हमको दूसरे गियर में जुताई करना है तो हम रेस भी जितना मर्जी दे सकते हैं, जितना मर्जी इसको दबा सकते हैं, तब ये 800 ग्राम से ज्यादा ईंधन नहीं खाएगा। जी जी जी। अच्छा सर एक चीज बताइए, छोटी सी और बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आप मुझको सारी चीज का डेमो भी दिखाएंगे, मैं देखूंगा, लेकिन किसान भाई हमारे जब इसको ले जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि उनकी कोई चीज प्रॉब्लम हो जाती है तो जैसे एसेट करना हो गया तो उसके लिए क्या सुविधा देते हैं आप? देखिए कोई भी किसान भाई है पूरे देश में जो हमसे ये मशीन मंगवाता है या कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन मंगवाता है तो हमारी कंपनी में इंजीनियर बैठे हुए हैं, हर प्रकार की सहायता उनको ऑनलाइन दी जाएगी। व्हाट्सएप पे उनको प्रॉपर वीडियो भेजा जाएगा, जोड़ने का भी वीडियो भेजा जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कंपनी में हमारे इंजीनियर को वो कॉल करें तो हमारे इंजीनियर उन्हें वीडियो कॉल करके हर चीज के बारे में समझाएंगे। जब आप बिल भेजते हैं, बिल्टी भेजते हैं तो उसी टाइम पे वीडियो उनको सर स्पेशली भेज दीजिए सर जोड़ने के लिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा, क्योंकि उनको ये मांगने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपना देखें और इंस्टॉल कर लें। गलत तो नहीं है? नहीं, बात तो आपकी सही है। हाँ। जेपी जी बात ऐसी है कि जो भी किसान के पास जहाँ से बिल जाता है, बिल्टी जाता है, जहाँ पे बुकिंग होती है, सारे फोन अलग अलग रहते हैं। जी, जी। अगर उसी फोन से हम ये वीडियो भी भेज देते हैं, कई बार किसान उसे देखता नहीं है। हाँ, हाँ। तो हमारा ये मंतव्य है कि हम इंजीनियर के माध्यम से उसे भेजें। कल को अगर उसे का नंबर चल रहा है सामने, इंजीनियर का नंबर चल रहा है, अगर उसको कल को कोई समस्या भी आती है। कम्प्लीट जो है थोड़ा सा मेरे को डिस्क्रिप्शन दीजिए, क्योंकि ये मॉडल बहुत पुराना भी है, बहुत दमदार भी है। आपने इसको नया लॉन्च किया है कुछ मॉडिफिकेशन करके, तो क्या क्या इसमें मॉडिफाई किया है और क्या क्या इसका करेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले हमने इसका एयर क्लीनर है जो बिल्कुल भाई साहब चेंज कर दिया है। जी। आमतौर पे पहले सूखे एयर क्लीनर आते थे। जी, जी, जी। अब हमने इसको जो है वेट एयर क्लीनर कर दिया है। जी, 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 तो वेट एयर क्लीनर में क्या रहता है, इसमें एयर क्लीनर में तेल रहता है। ओहो, तो तेल रहने से इसकी जो अंदर का धूल मिट्टी है वो अंदर नहीं जाता है। ओहो, मतलब ये इसी में अब्जॉर्ब हो जाता है, इसी में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके आगे बताइए सर। आप उसके बाद हमने जो ये साइलेंसर रखा है, ये साइलेंसर भी हमने बिल्कुल हीट प्रूफ कर दिया है। ऊपर ये लिखा हुआ है, ये निशान भी दे रखा है, ये बिल्कुल हीट प्रूफ कर रख दिया है ताकि अगर किसान का थोड़ा बहुत इसमें हाथ भी लग जाता है तो उसका हाथ नहीं जलेगा। उसके बाद हैंडल को हमने इस पर तरीके से डिजाइन किया है ताकि जैसे आप गन्ने के खेत में जुताई करना है, मिट्टी लगाना है, सब्जियों के खेतों में जुताई करना है, मिट्टी लगाना है, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लंबा हैंडल हम यहाँ तक बनाएंगे तो सब्जियों में और गन्ने में मिट्टी लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हर प्रकार की फसल के लिए, गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, सब्जियां हो, किसी भी प्रकार की आलू की फसल हो, हर जगह पे ये प्रॉपर काम करेगा। आपको रोकना चाहूंगा सर, लोग ने देखा मैंने कि कई जगह वो बड़ा हैंडल दिखा देते हैं, ये बड़ा हैंडल का क्या कोई बहुत बड़ा फायदा होता है? देखिए ऐसे भाई साहब, बड़े हैंडल का कई जगह पे फायदा भी होता है और कई जगह पे नुकसान भी होता है। ये जो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो मशीन, लेकिन ये दोनों में काम करता है, ये दोनों में काम करता है। खेत की भी जुताई करता है, गन्ना है, सब्जी है, वहाँ पे सारा काम करता है, गोभी में भी। जैसे कि स्पेशली आपने मुझे बताया कि अगर आपने गोभी भी लगाया है, बीन्स भी लगाया है, मिर्च भी लगाया है, तो उसमें भी ये अपना काट करके और मिट्टी जो है चढ़ाता चला जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के हैंडल को हमने डिजाइन किया है। और इसमें देखने को चाहे ये छोटा मशीन है, इसमें हमने पीटीओ भी दे रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, पीटीओ दे रखा है। कल को किसी ने हमारे धान का, गेहूं का किसी प्रकार का कटाई करना है तो इस पे रीपर लगा के वो कटाई भी कर सकता है।
अच्छा रीपर भी अटैच हो सकता है इसमें, पंप भी अटैच हो सकता है, वाटर पंप भी इसमें अटैच होगा, स्प्रे पंप भी अटैच होगा, रीपर भी अटैच होगा, हर प्रकार की अटैचमेंट जो भी 50 अटैचमेंट कंपनी के पास है, 55 है, वो सारी की सारी इस मशीन के साथ जुड़ेगी। अच्छा से मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आप इसको जरूर डाल दीजिएगा, क्यों किसान परेशान होता बनवा नहीं सकता सर। जो भी देसी खेती जुगाड़ के माध्यम से हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हर R105 किंग मॉडल के साथ इनके कहने के अनुसार एक रिकॉइल स्टार्टर हर मशीन के साथ हम फ्री में भेजेंगे। धन्यवाद। देखिए आप जानते हैं देश का जवान और देश का किसान दोनों साथ में चलते हैं और किसान आज हमारा मजबूर है, तो किसान के लिए कुछ और करिए सर, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। देश का जवान और देश का किसान अगर ये दोनों है तो ये देश की रीढ़ की हड्डी है, इसी से हमारा तो देश सर, चलता है। सर उस रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा मलहम लगाइए सर प्लीज। देश की हड्डी रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी के लिए जितना हम इस कंपनी के माध्यम से इस छोटी सी मशीन में कर सकते हैं, R105 किंग मॉडल 8.5 HP टर्बो इटालियन सीरीज का बिल्कुल नया मॉडल, इसकी जो कीमत 46,000 रुपए रखी है, हर मशीन में से 4,000 रुपए जो भी इनकी वीडियो का हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा 4,000 रुपए डिस्काउंट रहेगा। ये मशीन मात्र 42,000 रुपए आएगी, 32 ब्लेड की रोटरी के साथ और 4,000 रुपए की दो अटैचमेंट साथ में फ्री रहे पहुंचेगी। गारंटी वारंटी क्या है सर, और गारंटी होगा कैसे इसका? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये कंपनी है किसानों की, ये देश है जवानों का, तो हम किसानों के साथ और जवानों के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, इस मशीन को मंगवाने का बिल्कुल सिंपल सा साधन है, आपकी वीडियो पे स्क्रीन पे नंबर दे रखे हैं, उन पे नॉर्मल कॉल करें या व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो उनको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जानकारी के बाद उन्होंने 5,000 रुपया कंपनी के अकाउंट में मात्र डालना है, मशीन डिस्पैच होकर उनके जिला तक पहुंच जाएगी, उसके बाद उनको पूरी सूचना मिल जाएगी। सूचना पाने के बाद राजा इंटरप्राइजेस के गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर में जिसमें पहले 5,000 रुपया लगाया है उसी में बाकी का पैसा डालना है, और मशीन उनके घर पे चले जाएगी, डिलीवरी का कोई पैसा नहीं रहेगा। फिर आपने गारंटी की बात की है, राजा इंटरप्राइजेस एस राजा ने कभी भी आज तक वारंटी नहीं दी, गारंटी ही दी है। कुछ भी मशीन का टूट जाए फूट जाए, मात्र बिल की कॉपी और वो सामान का फोटो हमें भेजना है, तुरंत वो पार्ट्स निकल के किसान के घर पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चलते हैं सर हम डेमो की तरफ और इक्विपमेंट की तरफ में, थोड़ा सा मुझे वो 9 इंच वाला जरूर दिखाइए कि क्या है और कैसे है सर जी। जो हमने जो ब्लेड अब तैयार किए हैं जी जी, जैसे कि अब गोभी का फसल हो गया या किसी भी प्रकार की लाइनदार तंग फसलें हो गई, तो वहाँ पे 9-10 इंच में हमें खुदाई करना है, जुताई करना है, तो उसके लिए हमने ये ब्लेड तैयार किए। अब किसान भाइयों मैं बताता हूँ, संजीव सर को थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये देखिए ये ब्लेड जो आप देख रहे हैं इतने में चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ब्लेड ऐसे लगनी है, जो हमारी गोभी और जो छोटी मेड़ वाली फसलें हैं यहाँ पे ब्लेड उधर नहीं होगा। अगर थोड़ा चौड़ी भी है तो आप इस ब्लेड को हटा करके इसको बाहर कर दीजिए, ये दो ब्लेड बाहर करिए, दो अंदर करिए, तो ये बाहर का भी इतना एरिया बढ़ा करके ले लेगी। चलिए सर अब आप आगे बताइए सर। और उसके बाद हमने यहाँ पे गन्ने में मिट्टी लगाने के लिए ये डिचर बनाए हैं, और इसके साथ साथ ये डिचर इस प्रकार से बने हैं, ये बाहर को भी मट्टी फेंकते हैं और अंदर को भी मट्टी फेंकते हैं, मेड़ भी बनाते हैं, मेड़ भी बनाते हैं। जब हमने इसके साथ मेड़ बनाना है तो इसके साथ हम बड़े वाला वो मेड़ बेड में कर अच्छा लगाएंगे। सर कुछ लोगों का जैसे कहना है कि सर हमारे यहाँ कंकड़ बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं किसान? कंकड़ के लिए हमने स्पेशल जो स्टोन रिमूवर बनाया है जीपी जी, ये स्टोन रिमूवर का क्या काम है, पूरे देश में चाहे वो यूपी की धरती है, चाहे वो पंजाब की धरती है, चाहे जा वो हम अपने बिहार की धरती है, या हिमाचल की धरती है, या जेके की धरती है, या उत्तरांचल की धरती है, हर जगह जहाँ भी पत्थर हो तो वहाँ पे किंकरी जिसे हम स्टोन रिमूवर बोलते हैं वहाँ पे काम करती है। तो बताना चाहूंगा किसानों के लिए हमने ये स्पेशल प्रकार के पैडी व्हील तैयार करवाए हैं। आमतौर पे क्या करते हैं किसान इस प्रकार से ये मशीन पे लगा लेते हैं, तो ये कोई भी जो पैडी व्हील है ये उल्टा है, ये उल्टा है, और भाई मैं तो उल्टा ही चला रहा था। ना जब भी इसको चलाना है तो ये दोनों जो है इस प्रकार से चलेंगे, जो ये गुप्पी बनी हुई है इसके ऊपर, ये पीछे की तरफ रहे। हमारे आलू का सीजन चल रहा है, अभी भी चल रहा है आलू निकालने का सीजन, तो ये आलू को निकालने के लिए
स्पेशल हमने इसको पखर को तैयार किया है। तो अब ये डबल पलाव जो हमने तैयार किया है बिल्कुल नए ढंग से और नई तकनीक से। क्या है यार संजीव भाई, क्या क्या दिखाओगे, क्या नए इसमें भी नया है? बिल्कुल। अरे भाई नया क्या, मुझे तो सब सेम दिख रहा है, मुझे दिखाइए। देखिए पहले ये किसी तीन प्रकार का यहाँ पे बनता था, हमने जो शेप दे दी है वो इस प्रकार से दे दी है जैसे पहले हल्को हुआ करती। ओहो हो, और उसके बाद हमने जो नीचे भी इस प्रकार ये गुड, ये अच्छा, ये चीज ये फंसेगा नहीं जमीन में, फंसेगा नहीं। क्या बात है, यही नई तकनीक का कमाल है। तो हर चीज नई टेक्नोलॉजी और नई तकनीक से बनाई गई जमीन है। जैसे कि हमारे खेतों में घास हो जाती है, मान लो इतनी बड़ी घास है तो ये कि अभी ये देखिए कि 9 इंच और 10 इंच के बीच में चलने वाला पावर बीटर हमारा कैसे काम करता है, कैसे जो है इसको मिट्टी चढ़ाता है, देखिएगा क्या बात है। और एक किसान भाइयों देखिए, कम से कम 12 इंच का गैप देके जा रहा है, ये क्या बात है। मतलब छोटे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसान भाइयों कि पावर उसका बैठता है चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल न रुकने का पावर, एकदम दमदार पावर के साथ क्या गजब का रिस्पांस लेके आया है ये वीडर। किसान भाइयों अब आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, और देखिए एकदम मिट्टी को खत्म करते हुए चढ़ाते हुए जाएगा। अगर दोनों साइड में आपके गोभी है, बीन्स है, मटर है, टमाटर है, जो भी लगाया हुआ है, जो कि आपके 12 इंच से 13 इंच के बीच में है, और अगर आप इससे भी बड़ा चाहते हैं तो बड़ा भी लगा सकते हैं। हम तो कल्टीवेटर लेने के ही पक्ष में नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहाँ तो कल्टीवेटर का इतना गजब का दमदार रिजल्ट दिखाई दे रहा है। हमने आपको दिखाया है कि 12 इंच में ये इस प्रकार से गोभी का खेत हो या किसी भी प्रकार की सब्जी का, लाइनदार फसलों का खेत हो, तो 12 इंच में ब्लेड जुताई भी करते हैं और मिट्टी भी लगाते हैं। हाँ। इस प्रकार से हमने अगर गन्ना भी बोना है जी, तो गन्ने के लिए हम इस प्रकार का नाली तैयार करेंगे। हाँ। उसके बाद गन्ना इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसमें लेवलर लगा के ये बंद हो जाएगा कर देंगे। उसके बाद हमने जब मिट्टी लगाना है तो सेंटर में हम डीचर चलाएंगे। हाँ। तो दोनों तरफ हम मिट्टी चढ़ा देंगे, तो थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा कार्य खत्म हो जाएगा और बहुत ही लेबर की आपको समस्या खत्म हो जाएगी। क्या बात है संजीव जी, क्या क्या खोज करते हो आप भी, गजब हो यार। किसान भाइयों देखिए, अगर आपको टमाटर लगाना है और कोई और चीज है, कद्दू लगाना है, कोई और भी चीजें लगानी है, आप बेड बनाने का तरीका देखिए। आप चाहें तो पीछे वाला जो बेड मेकर है उसको हटा सकते हैं, ये डीचर काफी बना बढ़िया जो है आपका बेड बना देता है, ठीक है। बहुत शानदार देखिए बेड बन रहा है, काफी ऊंचा बेड बन रहा है। आप देख सकते हैं कि लगभग ये 8 से 10 इंच का बेड है, 8 से 10 इंच का बेड है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे नाली बनी हुई है, ये नाली अगर आप इसमें पानी चलाते हैं तो आप चाहे जो भी लगाएं, मेल्चिंग लगाएं ना लगाएं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपका फसल ग्रो करेगा। तो ये शानदार चीज आपको दिख रही है, जो आपका अगर एक आदमी लगता है तो 1 एकड़ में कम से कम आपको जो है 4 आदमी लगेंगे तभी भी पूरा काम नहीं होगा, लेकिन इसमें आपको मात्र 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल में सारा काम। भाइयों अभी आपने देखा कि ये 2 बेड हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 बेड हमारे तैयार हैं। अभी मान लीजिए फसल आपकी तैयार हो गई है, पौधे आपके बड़े हो गए, बीच में अभी ये घास आ गई मान लीजिए, क्योंकि मैं अभी इंतजार नहीं कर सकता तब का, घास समझ लीजिए बीच में हमारी आ चुकी। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे मिट्टी चढ़ाना है यहाँ पे। जयप्रकाश जी खुद मशीन चलाते हुए और किसान के साथ साथ फौजी होने के साथ साथ मशीन को अच्छे तरीके से वो ऑपरेट कर लेते हैं और सही तरीके से मशीन से काम कर लेते हैं। किसान भाइयों ये डेमो मैंने इसलिए दिया है कि अगर कभी किसी किसान को पौधा लगाना हो, सिंगल पौधा लगाना हो, पूरा जुताई करने की जरूरत नहीं है, आप पैराकॉट डाल दीजिए और इतने में जुताई करके पौधा। किसान भाइयों आपने देखा कि R105 किंग मॉडल के बारे में हमने दिखाया और संजीव जी ने उसके बारे में बताया, इसकी जो खूबियां हैं, सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए, हमारे जो बड़े किसान हैं वो तो है ही हैं, उनके लिए भी चलेगा, छोटे किसान जो हैं जो गोभी लगाते हैं तो उनके लिए आमतौर पे अगर बड़ा पावर टिलर होने के बावजूद भी छोटा पावर टिलर हमको
खरीदना पड़ता था, तो वो सारी समस्या खत्म हुई है दोस्तों। तो अगर आप ये छोटी सी चीजें आप मंगा लेते हैं तो इनका सर कीमत केवल बता दीजिए, अगर अलग से उनको मंगाना पड़ेगा तो ये कितना देना पड़ेगा? देखिए अगर किसी ने 10 इंच 12 इंच के गुल्ले हमसे मंगवाने हैं तो गुल्ले मात्र जो है वो 1000 रुपए के रहेंगे। अगर विद ब्लेड मंगवाने हैं तो ये 2000 रुपए की कीमत करें। तो ठीक है सर, विद ब्लेड ही ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अलग से ब्लेड खोल के लगाना पड़े। वो कोई बहुत कीमत नहीं है सर, 1000 रुपए। जो किसान है जी, किसान की मर्जी पे डिपेंड करता अच्छा, है कि किसान किस तरीके से हमें लेना जी जी। गुल्ले का मतलब मैं बता देता हूँ किसान भाइयों, आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये ब्लेड हटा करके ये चौकोर लेते हैं पूरा यहाँ तक का तो आपको ये 1000 रुपए का पड़ेगा, और ब्लेड सहित लेते हैं तो सब मिला के 2000। ठीक है।